नमस्कार, मैं अनिल जायसवाल, आप देख रहे हैं वायरल खबरें। आइए डालते हैं एक नजर मुंबई की खास खबरों पर। भाई की दुकान की आज ओपनिंग अल्फा टाइल्स की मैंने की। इसाक कुरैशी मेरे बहुत पुराने दोस्तों में से, लगभग हमारी दोस्ती को 40 साल हुए हैं, और आज उनके भाई ने इतनी शानदार अल्फा टाइल्स इस नाम की दुकान डाली है। अगर आप देख रहे होंगे, क्योंकि जितनी वैरायटी की नई नई चीज़ें हैं वो आपको इस दुकान में देखने के लिए मिल रही है। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो इतना मान सम्मान देके उन्होंने मेरे हाथ से इनॉग्रेशन किया, उसके लिए हम उनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। सर, हम लोग भी बहुत खुश है कि हमारी जो शॉप की है, न्यू शॉप की ओपनिंग हुई है, वो अजय सर के हाथ से हुई है। क्योंकि इनका जितना बड़ा नाम है आप जानते होंगे, वर्सोवा यारी रोड में, उतना शायद और कोई होगा जिसका इतना बड़ा नाम तो नहीं होगा। जैसे स्कूल चलाते, इतने अच्छे डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, इनका बहुत बड़ा नाम है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये आए और इन्होंने हमारी शॉप की ओपनिंग की है। मेरे को बहुत खुशी है अजय सर यहाँ पर आए। मेरी एक शॉप है अल्फा ट्रेडर, जो हम लोग ने 3 साल पहले चालू किए थे। अभी 3 साल के बाद हम लोग ने फिर थर्ड शॉप चालू की, अल्फा टाइल्स। तो मुझे बहुत खुशी है अजय सर यहाँ पर और अब ये इस अपना शोरूम ओपनिंग के लिए आए। एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे किसको बुलाए। भाई भाई आपस में डिस्कस कर रहे थे कौन सा एमपी को बुलाया, एमएलए को बुलाया जाए। तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि अजय सर से बढ़ के कोई हो नहीं सकते बात को, क्योंकि अगर अंधेरी में या पूरे बॉम्बे में अगर कोई एनजीओ या एजुकेशन के नाम पे जाना था तो अजय कॉल सर जाने जाते हैं, तो उनसे बेटर कोई हो नहीं सकता है। तो अपने को उनको ही बुलाना है। तो भाइयों ने बोला ठीक है, वो तो अपने काफ़ी नज़दीक भी है और अपने बहुत अच्छे वेलविशर, अपनी क्या, वो तो पूरे बॉम्बे सिटी के ही वेलविशर है, तो अपने उनके हाथ से ही करवाना है। सर, मैं अजय सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, वो आए और हमारा सम्मान बढ़ाए। सर, अजय सर आपसे भी ये जानना चाहूँगा, आप एजुकेशन फील्ड में हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और यहाँ जो टाइल्स है उस स्कूल को सुशोभित करेगी, क्या यहाँ से कुछ आपके यहाँ भी टाइल्स लगेगी? क्यों नहीं, जब मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना पड़ता है स्कूल के कंस्ट्रक्शन के लिए, तो जब अपने घर की दुकान हो तो क्यों नहीं यहाँ से टाइल्स ली जाए। मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि अभी उन्होंने मुझे कहा कि आपके भाइयों को भेजिएगा, मुझे स्कूल के अंदर इनको ऑर्डर देना है, तो मैं उनके लिए बहुत थैंक यू बोलता हूँ। बहुत बहुत खुशी की बात है, आज अल्फा टाइल्स का ओपनिंग हुआ है और यहाँ हमको ओपनिंग के लिए आज बुलाया। इनके शॉप की तरफ के लिए हम दुआ करते हैं। जैसे बात चल रही है टाइल्स की, तो सर आप वो तो होगा ही, काफ़ी सारा काम तो अभी डिस्कस हुआ है, और एक नहीं सर की मुंबई शहर में 3-3 स्कूल है, तो बहुत सारा काम है। सर, कुछ आप बता सकें कौन कौन से प्रोडक्ट, जरा दर्शकों को बता दें कौन से प्रोडक्ट हैं। सर, हम लोग की ये जो शॉप है, एक्चुअली इसमें हम लोग ने काफ़ी लग्जरी और सेमी ब्रांडेड दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं,
तो यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग ने हर डिपार्टमेंट के लिए रखा है, जैसे कोई चौल वाला है तो उसके भी मटेरियल मिल जाए, उसको भी रेट्स के हिसाब से मिल जाए, और यहाँ पे एकदम हाई प्रोफाइल कस्टमर्स आते हैं उनके लिए भी चीज़ें मिल जाए। यहाँ पे इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स भी है, इंडियन प्रोडक्ट्स है, दोनों अवेलेबल है हमारे पास। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे बहुत हम लोग ने हाई प्रोफाइल चीज़ें रखी है इसीलिए क्योंकि ये हमारे एरिया में मैक्सिमम काफ़ी हाई प्रोफाइल कस्टमर्स है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने दोनों को टारगेट किया हुआ है। और बाकी हमारे पास टाइल की बहुत वैरायटीज है, जैसे 40-50 डीलर्स का मटेरियल है यहाँ पे, नॉर्मली शॉप्स पे इतना रहता नहीं है, 10-15 डीलर्स का रहता है, हमारे पास 40-50 डीलर्स का टोटल हमारे पास मटेरियल है यहाँ पे, तो आपको वैरायटी की कोई कमी नहीं है हमारे पास। और बाकी आपने शॉप की सब चीज़ें देखी ली होंगी, कि प्लम्बिंग और टाइल्स ये दोनों डिपार्टमेंट में हम लोग ने हो सके जितना हो सके उतना ज़्यादा ऐसा रखा है कि 99% चीज़ें आपको मिल जाए। इसमें कुछ एक चीज़ भी शायद ऐसी नहीं होगी जो आपको यहाँ पे हमारे पास नहीं मिलेगी। इवन स्पेयर पार्ट्स में हम लोग स्पेशलिस्ट है यहाँ पे, पूरे एरिया में हम लोग के पास जो स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं वो यहाँ पे किसी के पास भी नहीं मिलते, आसपास के जो लोग हैं वो सब हमसे ही लेके आते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे 3 साल से बेस्ड है, हमारा मार्केट तो अच्छा है था बट हम लोग को एक कमी लग रही थी, इस वजह से हम लोग ने फिर सोचे कि टाइल्स का भी स्टार्ट करें, बिकॉज टाइल्स का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे घर में दूसरे काम होते हैं तो टाइल्स तो ऑफकोर्स लगती है, तो यही हम लोग का टारगेट था। बस करते करते आज स्टार्टअप हो गया और हम लोग को खुशी है अजय सर आए, तो और बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बेस्ट थिंग ये है कि ये जो सिस्टम है प्लम्बिंग का मटेरियल का, हम लोग ने 1990 में शुरू किया था, 1990 में, आज हमारे पास में 4 सेटअप है, और यहाँ पे जो रेट होगी वो कॉम्पिटिटिव और बेस्ट रेट रहेगी। आप कहीं पर भी जब आप जाओगे तो यहाँ पर कस्टमर वापस घूम के आते हैं क्योंकि रेट हमने बेस्ट रखी हुई है और इतने साल के एक्सपीरियंस है, तो इट हेल्प्स अस। सर एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह का आपने देखा है शॉप और वॉशरूम में यूज होने वाली बहुत सारी चीज़ें, लोग हाइजीनिक के लिए साफ़ सफाई के लिए काफ़ी बहुत अलर्ट हैं, जागरूक हैं, तो कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है, ऐसा कोई है जो हाइजीनिक को लेके इतना स्पेशल बनाया गया कोई है? सर इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको, जैसे आपने हाइजीनिक की बात की है, हम लोग ने यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो होती है कस्टमर्स को प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कोई भी चीज़ लेके आते हैं 2-3 महीने में वो रस्ट पकड़ लेता है, बिकॉज बीच के पास काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी नॉर्मल तो बॉम्बे का पानी भी ऐसा ही है, PMC का वाटर आता है उससे भी ख़राब हो जाते हैं। तो हम लोग ने इसलिए कोशिश ये की है कि जो भी चीज़ हो वो मैक्सिमम ग्रास की।